नमस्कार। प्रस्तुत है झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित 2024 में क्लास 8 के SA1 अर्थात समेटिव असेसमेंट 1 के साइंस के प्रश्न पत्र का हल, और ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। ये जो इस परीक्षा में साइंस से 40 प्रश्न थे, जिसके पहले प्रश्न 20 प्रश्नों को मैं इस पार्ट 1 वीडियो में उसका उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। ये प्रश्न क्लास 8 के फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 1 है, बल का मात्रक क्या है? तो यह है न्यूटन। प्रश्न संख्या 2 है, किसी बर्तन में द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम किसी बर्तन में द्रव का गहराई में जाएंगे, है ना, बर्तन में द्रव का जो दाब होता है वो गहराई जब बढ़ेगी तो वो दबाव बढ़ता जाएगा, यानी जितना ज्यादा द्रव होगा उसका दबाव उतना ज्यादा होगा। बिजली मिस्त्री अपने हाथ में रबर की दस्ताने पहनकर बिजली का काम करता है क्योंकि, बड़ा आसान सवाल है, क्यों ऐसा करता है? क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। निम्नलिखित में कौन सा संपर्क बल है? तो संपर्कित और असंपर्कित, ये दो प्रकार के बल होते हैं। तो संपर्कित बल वो होता है जिसमें जो दो वस्तुएं होते हैं वो संपर्क में रहते हैं, और असंपर्कित जिसमें संपर्क में नहीं रहते हैं। तो संपर्क में रहने वाला बल है वो घर्षण बल है। जब दो वस्तुओं को संपर्क में लाते हैं तभी ये घर्षण बल इस पर लगता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल ये असंपर्कित बल है। इसमें जो दो वस्तुएं होते हैं वो संपर्क में नहीं होती हैं, फिर भी ये बल लगता है। विद्युत धारा से उत्पन्न होता है, केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, इनमें से सभी। तो विद्युत धारा से ऊष्मीय प्रभाव भी होता है, जैसे हीटर जलाते हैं तो देखिए उसमें गर्मी देता है। रासायनिक प्रभाव भी होता है, चुंबकीय प्रभाव भी होता है, जैसे विद्युत घंटी बजाते हैं। तो ये तीनों ही इसमें होते हैं, यानी इनमें से सभी प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत का सुचालक है, नींबू का रस, आसुत जल, सिरका, खाद्य तेल। तो ये नींबू का रस जो है ना विद्युत का सुचालक होता है। लोहे की वस्तु को किस धातु के लेपन द्वारा सुरक्षित किया जाता है? तो ये है जिंक। कुछ लोग कहेंगे कि क्रोमियम, क्रोमियम से उसकी चमक बढ़ाई जाती है, और जिंक से उसे सुरक्षित किया जाता है, जिसका और इस प्रक्रिया का नाम है गैल्वनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। आसुत जल में खालिस्तान घुलने पर विद्युत का सुचालक बन जाता है, जल जो है विद्युत का सुचालक बन जाता है। किसको हम उसमें आसुत जल में डालते हैं? आसुत जल मतलब डिस्टिल वाटर, तो ये नींबू का रस। जल को शुद्ध करने में उपयोग किए जाने वाला अधातु है, ये है क्लोरीन। क्लोरीन से पानी को साफ किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, झारखंड में लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अल्युमिनियम अयस्क। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, सिर्फ एकमात्र धातु है
जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है पारा, जिसे इंग्लिश में मर्क्यूरी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है जो बहुत मुलायम होता है, तो ये है सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों ही बिल्कुल मुलायम होता है, जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सा शर्त आवश्यक है? दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप, वायु या ऑक्सीजन? तो ये तीनों ही है, यानी इनमें से सभी शर्त आवश्यक है, इनमें से कोई भी एक शर्त नहीं होगा तो दहन की क्रिया नहीं होगी। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है? सभी पदार्थों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, दहनशील पदार्थ और अदहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ वो होते हैं जिन्हें जिनका दहन हो सकता है, और अदहनशील जिसका दहन नहीं हो सकता है। तो इसमें लकड़ी, पेट्रोल और किरोसिन, इन सभी को हम जला सकते हैं, यानी इनका दहन हो सकता है। एकमात्र इस ऑप्शन है लोहे की कील, ये अदहनशील है। खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन है? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सभी के घर में बनता है एलपीजी। दहन है भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भौतिक प्रक्रिया किसे कहते हैं। भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो बदलाव आता है वस्तुओं में, उसे हम फिर से वापस ला सकते हैं, यानी ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया होता है ना। पूर्ण अवस्था में हम वस्तु को ला सकते हैं, जबकि रासायनिक प्रक्रिया ऐसा है जिसमें ये अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सिबल है, यानी इसकी प्रकृति जब बदल गई, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्रकृति बदल जाती है, इसे वापस हम पूर्व रूप में नहीं ला सकते हैं। तो दहन जो है रासायनिक प्रक्रिया है। आप देखते हैं कि किसी कागज को अगर हम जला देते हैं तो पुनः हम कागज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि के साथ अचानक जलते हैं, उसे कहते हैं विस्फोट। प्रश्न संख्या 18 है, दहन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो ये तो है ऑक्सीजन। कोशिका का बिजली घर कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 20 है, जीवन की क्रियात्मक इकाई है, ये है कोशिका। तो ये थे इससे वन में पूछे गए पहले 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपके जो फाइनल बोर्ड की परीक्षा होनी है उसके लिए, और जो छात्रवृत्ति प्रतियोगिता ये होने वाली है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय साधन सर मेधा छात्रवृत्ति, या कोई अन्य परीक्षाएं जिसमें जीके के अंतर्गत विज्ञान के प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है।